नमस्कार साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सोइल साइंस के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। उस टॉपिक का नाम है सोइल वाटर। सोइल वाटर के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अंदर हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है, उन सभी के बारे में हम एक बार लेआउट के रूप में देख लेते हैं, या कि रूपरेखा देख लेते हैं कि सोइल वाटर के अंदर हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है। तो सोइल वाटर के अंदर सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि सोइल वाटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। उसके नेक्स्ट बाद हम देखेंगे सोइल वाटर का क्लासिफिकेशन, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी शब्दावलियाँ आती हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो सोइल वाटर होता है उसको हम किस प्रकार से मेजरमेंट कर सकते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो अल्टीमेटली हम ये चार टॉपिक के बारे में सोइल वाटर के अंदर देखेंगे कौन कौन से है, सोइल वाटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सोइल वाटर का क्लासिफिकेशन क्या है, महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी है, और सोइल वाटर का मैनेजमेंट किस प्रकार से हम सॉरी सोइल वाटर का मेजरमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी कि मृदा नमी जो मापन की जो विधियां होती है वो कौन कौन सी हैं, उनके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सोइल वाटर। सोइल वाटर का डिटेल से एनालिसिस हमने इसी चैनल पर धरणीधर एग्रो क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हमने डिटेल से लगभग 3 सेशन में इसको कवर किया हुआ है, यानी कि हमने इसी सोइल वाटर का 3 वीडियो बनाकर अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है, सोइल वाटर के वीडियो को, तो वहाँ जाइए और सोइल वाटर के जो वीडियो हैं उनको डिटेल से उनको समझने का प्रयास कीजिए। आज हम केवल इस क्लास के अंदर हम शॉर्ट के अंदर देखेंगे कि सोइल वाटर को हम किस प्रकार से जल्दी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में इससे प्रश्न बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सोइल वाटर। तो सोइल वाटर की सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करें, तो सोइल वाटर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो सोइल वाटर क्या होता है, तो सोइल वाटर किसका कंपोनेंट है या कंपोजिशन है, तो ये मृदा अवयव यानी सोइल कंपोजिशन का एक संगठन होता है, जो मृदा के अंदर कितना परसेंट पाया जाता है, लगभग 25% के आसपास पाया जाता है। और यही 25% जो वाटर होता है, इसी में क्या होता है, प्लांट के जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो प्लांट को न्यूट्रिएंट जल के अंदर मिलकर घुलनशील अवस्था में बदलकर पौधों को क्या होता है, न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो प्राप्त होते हैं। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि जो इसका कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, तो मृदा के अंदर ये 25% पाया जाता है, और इसी 25% जल के अंदर पौधे के जितने भी आवश्यक पोषक तत्व है, लगभग 17 जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, वो इसके साथ इस जल के अंदर घुल कर प्लांट को प्राप्त होते हैं, और तभी पौधे अपनी वृद्धि को पूरा कर पाते हैं। और इसके अतिरिक्त यही जल क्या करता है, तो यही जो जल होता है यही पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को बढ़ावा देता है और पौधे की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है ना। तो वाटर कई सारे काम के लिए जिम्मेदार होता है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो 25% मृदा के अंदर पाया जाता है, जितने भी पौधे के आवश्यक न्यूट्रेंट होते हैं, 17 आवश्यक न्यूट्रेंट एलिमेंट होते हैं, वो सारे प्लांट को जल के माध्यम से ही प्लांट तक पहुँचते हैं, ठीक है ना। तो ये तो इसका कॉन्सेप्ट होता है। अब उसके बाद हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो जो जल का जो क्लासिफिकेशन है वो जल का क्लासिफिकेशन कितने भागों में किया गया है, जल का क्लासिफिकेशन 3 भागों में किया गया है, ठीक है ना। कौन कौन से किस अवस्था के आधार पर किया गया, तो फिजिकल यानी भौतिक वर्गीकरण, जल का भौतिक वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में हम देखते हैं। तो जो जल का भौतिक वर्गीकरण या फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर है वो कितने भागों में किया गया, तो वो 3 भागों में किया गया। कौन कौन से, आर्द्रताग्राही जल, केशीय जल और गुरुत्वीय जल। यानी कि आर्द्रताग्राही जल को हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर, केशीय जल को कैपिलरी वाटर और गुरुत्वीय जल को हम ग्रेविशनल वाटर के नाम से हम जानते हैं। अब बात करते हैं हम जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो डेफिनेशन क्या होती है, तो कोई जो आर्द्रताग्राही जो जल होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो जो मृदा कोलोइड कण पर धारित जल जो द्विध्रुवीय अभिविन्यास द्वारा धारित रहता है, यानी कि जो मृदा कोलोइड होती है, कोलोइड कण के ऊपर जो जल धारित रहता है, यानी कि द्विध्रुवीय अभिविन्यास के द्वारा जो धारित जो जल रहता है, उस जल को हम क्या कहते हैं, आर्द्रताग्राही जल कहते हैं। और जो आर्द्रताग्राही जो जल होता है ये प्लांट को क्या होता है, अवेलेबल नहीं होता है, यानी कि ये प्लांट इसे ग्रहण नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नंबर फर्स्ट जो हमारा जल होगा वो आर्द्रताग्राही जल होगा, जो कहाँ पर पाया जाता है, तो मृदा कोलोइड कण के ऊपर धारित द्विध्रुवीय अभिविन्यास के रूप में धारित रहता है, यानी कि वहाँ पर पाया जाता है, और ये पौधों को
अवेलेबल नहीं हो पाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम केसी जल। केसी जल क्या होता है, तो वह जल जो पौधों को उपलब्ध होता है केसी जल कहलाता है, कैपिलरी वाटर कहलाता है। और इसके अलावा इस जल की जो सीमा होती है वो सीमा कहाँ से कहाँ तक होती है, तो इसकी जो सीमा होती है वो 0.33 से लेकर 0.33 बार से लेकर कितने बार तक, 31 बार। तो जो सोयल वाटर होता है, सोयल वाटर को मेजरमेंट करने की दो इकाई होती है, कौन कौन सी, एक तो हम इसको बार में मेजरमेंट करते हैं और दूसरा करते हैं हम एटीएम यानी एटमोस्फियर में मेजर करते हैं। तो हम केवल एक ही यूनिट को काम में लेंगे और वो कौन से ले रहे हैं, हम बार को काम में ले रहे हैं। तो जो हमारा जो कैपिलरी वाटर होता है, कैपिलरी वाटर की जो सीमा होती है यानी कि किस किस रेंज के बीच में जो कैपिलरी वाटर होता है वो पाया जाता है, तो वो पाया जाता है 0.33 से लेकर 0.33 बार से लेकर 31 बार तक की जो सीमा होती है यानी जो रेंज होती है उसके बीच में जो वाटर पाया जाता है वो कौन सा वाटर होता है, तो कैपिलरी वाटर होता है, ठीक है ना। और 31 बार से लेकर 10,000 बार तक जो जल पाया जाता है वो कौन सा वाटर होता है, तो वो आर्द्रता ग्राही वाटर होता है। और 0.33 बार से जो कम का जो वाटर होता है वो कौन सा वाटर होता है, तो वो गुरुत्वीय वाटर होता है। तो तीनों का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो 0.33 बार से अगर कम कोई वाटर होगा तो वो कौन सा गुरुत्वीय जल कहलाएगा, 0.33 से लेकर 31 बार तक का जो जल होगा वो हमारे केसीय जल, और 31 बार से लेकर 10,000 बार तक का जो जल होगा वो हमारे क्या कहलाएगा, आद्रता ग्राही जल कहलाएगा, ठीक है ना। तो इन तीनों की डेफिनेशन क्या होती है वो हमने देखा। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो हमारा आद्रता ग्राही जल और गुरुत्वीय जल है ये दोनों पौधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं इस जल को, पौधे केवल कौन से जल को ग्रहण करते हैं, तो वो केसीय जल को ग्रहण करते हैं। अब इनके हम कुछ रेंज देखते हैं कि कुछ पॉइंट आते हैं इनके अंदर, आद्रता ग्राही जल की क्या क्या सीमा होती है, आद्रता ग्राही गुणांक की क्या सीमा होती है, मुरझान बिंदु की क्या सीमा होती है, तो उनके बारे में हम देखते हैं। तो नंबर फर्स्ट हम देखते हैं आद्रता ग्राही जल के अंदर, आद्रता ग्राही जल की जो सीमा होती है वो दो रूप में हम देखेंगे, किस किस रूप में, एक तो हम देखते हैं बार के रूप में और एक हम देखेंगे पी एफ एल यू। पी एफ एल यू क्या होती है, जैसे इसके बाद में हम देखेंगे पी एफ एल यू के बारे में हम देखेंगे। तो आर्द्रता ग्राही जल की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, तो 31 बार से लेकर 10,000 बार तक होती है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर आपने अभी तक हमारा इसी चैनल पर डले हुए वीडियो को, सोयल वाटर के जो वीडियो है उनको नहीं देखा तो पहले आप उन्हें देखें, अगर वो आपके समझ में आ गए तो ये ऑटोमेटिक जो थ्योरी जो पोर्शन है ये आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो पहले आप, मेरे आपसे निवेदन है कि सबसे पहले आप जाकर उन वीडियो को देखें चैनल पर जाकर, ठीक है ना। तो आद्रता ग्राही जल की जो सीमा होती है वो कितनी होती है, तो 31 बार से लेकर कितनी होती है, 10,000 बार तक होती है। आद्रता ग्राही गुणांक की जो सीमा होती है, रेंज होती है वो कितनी होती है, तो 31 बार तक आद्रता ग्राही गुणांक की सीमा होती है। मुरझान बिंदु की कितनी सीमा होती है, तो वो होती है 60 बार, मुरझान बिंदु की सीमा होती है। और यह जल पौधों को प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इस चैप्टर से, सोयल वाटर चैप्टर से हर लाइन से क्वेश्चन बनता है, तो हम में इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम केसीय जल की बात करें, तो केसीय जल की डेफिनेशन क्या होती है, तो क्षेत्र क्षमता और आर्द्रता ग्राही जल के बीच में जो मौजूद जो जल होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम केसीय जल कहते हैं। और जो क्षेत्र क्षमता होती है, क्षेत्र क्षमता की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 0.33 बार पर जो वाटर होता है, या जो रेंज होती है 0.33 बार की, इस रेंज को हम क्या कहते हैं, तो इस रेंज को हम क्षेत्र क्षमता के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो क्षेत्र क्षमता और आर्द्रता ग्राही गुणांक के बीच की जो सीमा होती है उसे हम केसीय जल कहते हैं। तो आर्द्रता ग्राही गुणांक की सीमा क्या होती है, तो आर्द्रता ग्राही गुणांक की सीमा कितनी होती है, 31 बार होती है। तो इन दोनों के बारे में हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें क्षेत्र क्षमता की, इसमें रेंज कितनी होती है, तो 0.33 बार इसकी रेंज होती है। प्राप्य जल की रेंज कितनी होती है, तो 0.33 बार से लेकर 15 बार तक की जो रेंज होती है उसे हम प्राप्य जल कहते हैं। और अप्राप्य जल की सीमा कितनी होती है, तो लगभग वो हो जाएगी 15 से लेकर 31 बार तक की जो रेंज होती है वो किसकी रेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे अप्राप्य जल की रेंज हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल परमानेंट विल्टिंग पॉइंट की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, तो 15 बार पर, 15 बार पर जो रेंज होती है वो किसकी होती है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट की रेंज होती है। और पौधे इसी जल को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम गुरुत्वीय जल की बात करें, तो ये स्वतंत्र जल होता है और इसकी जो सीमा होती है वो कितनी होती है, -1/10
2 bar से कम होती है, या हम कह सकते हैं 0.33 bar से कम की जो रेंज होती है उसे हम गुरुत्वीय जल के नाम से जानते हैं और पौधे को प्राप्त नहीं हो पाता है। तो पौधे को कौन कौन सा जल प्राप्त नहीं हो पाता है? तो आद्रता ग्राही जल और जो गुरुत्वीय जल होता है वो प्राप्त नहीं होता, केवल केशीय जल को ही प्राप्त करते हैं। केशीय जल की भी कौन सी सीमा को प्राप्त करते हैं? तो 0.33 से लेकर 15 bar तक की जो सीमा होती है उसी जल को प्लांट ग्रहण करते हैं। और 0.33 bar पर कौन सी सीमा होती है? तो वो क्षेत्र क्षमता होती है, 15 bar पर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होती है और प्राप्य जल की ये निम्नतम सीमा होती है। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। अब हम इसमें एक इंडेक्स के बारे में देखते हैं। ये इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से कि इसमें डायरेक्ट सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से मृदा की अवस्था दे रखी है, इसमें मृदा की अवस्था दे रखी है हमको, पीएफ वैल्यू का मान दे रखा है और एटीएम और या बार के अंदर उनकी वैल्यू का कॉन्सेप्ट दे रखा है। तो मृदा की अवस्थाएं कौन कौन सी है? तो ये सारी इधर मृदा की अवस्थाएं दे रखी है जिसके अंदर आर्द्रता ग्राही जल दे रखा है, आर्द्रता ग्राही गुणांक, मुरझान बिंदु, क्षेत्र क्षमता, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, संतृप्त मृदा और लोअर प्लास्टिक लिमिट, अपर प्लास्टिक लिमिट और गुरुत्वाकर्षण जल और ओवन ड्राई सोइल, इन सभी के हमको ये सभी सोइल की कंडीशन हो गई। अब इन सभी की पीएफ वैल्यू का भी मान दे रखा है यहाँ पर, और जो हमारे एटमॉस्फेयर या बार के अंदर जो वैल्यू दे रखी है वो भी इसके अंदर दे रखी है। तो इन दोनों वैल्यू को हमको पता होना चाहिए और एग्जाम में इस सारणी से कहीं ना कहीं हर एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं हम। आर्द्रता ग्राही जो जल होता है उसकी पीएफ वैल्यू कितनी होती है? तो पीएफ वैल्यू होती है 4.5 से लेकर 7 तक होती है, और दाब या एटमॉस्फेयर में इसकी जो यूनिट होती है या इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है? तो 31 bar से लेकर 10,000 bar। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, आर्द्रता ग्राही गुणांक की बात करें तो इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है? पीएफ वैल्यू में 4.50 और इसमें होती है 31 bar। मुरझान बिंदु की 4.2 और इसमें होती है 60 bar। क्षेत्र क्षमता की होती है 2.53 और इसमें होती है 0.33 या 1/3 होती है। संतृप्त मृदा की 0 और इसमें होती है 0.001। इसके नेक्स्ट बात करते हैं हम ओवन ड्राई सोइल की, इसमें होती है 7 होती है इसमें, और इसमें होती है 10,000 bar या 10,000 ATM होती है, ठीक है ना। तो इसमें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो हमको पता होना चाहिए। नंबर फर्स्ट हमारे आर्द्रता ग्राही जो जल होता है इसकी हमें पीएफ वैल्यू और एटमॉस्फेयर में इसकी जो रेंज होती है वो पता होनी चाहिए। आर्द्रता ग्राही गुणांक, क्षेत्र क्षमता, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और जो हमारे जो ओवन ड्राइड सोइल है, इन चारों की हमको पीएफ वैल्यू का मान भी पता होना चाहिए और एटीएम या बार के अंदर इनकी वैल्यू क्या है वो भी हमको इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम देखते हैं इसमें पीएफ वैल्यू के बारे में, इसका कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं। जो पीएफ वैल्यू है ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ये दिया था स्कोफील्ड ने दिया था, और कब दिया था? 1935 में दिया था, ये हमको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं पीएफ वैल्यू क्या होती क्या है। तो पीएफ वैल्यू क्या होती है? तो जल स्तंभ की सेंटीमीटर में ऊंचाई का लघु गुणक क्या कहलाता है? उसका पीएफ कहलाता है, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तो जल स्तंभ की सेंटीमीटर में ऊंचाई का लघु गुणक पीएफ कहलाता है। और उसके बाद यहाँ एक वायुमंडल दाब बराबर क्या होता है? तो 3 pf वैल्यू होता है, ठीक है ना। यानी एक वायुमंडल बार दाब, यानी वायुमंडल दाब की जो इकाई वो कौन कौन सी है? ATM और बार होती है। तो एक वायुमंडल दाब बराबर क्या हो जाएगा? 3 pf वैल्यू होगा, ठीक है ना, ये हमको पता होना चाहिए। उसके बाद नोट लगा के पॉइंट दिया हुआ है कि यदि पीएफ वैल्यू कितनी है? 7 है। पीएफ वैल्यू कितनी है? अगर 7 है तो जल स्तंभ सेंटीमीटर ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख पर वायुमंडलीय दाब कितना होगा? तो वो हो जाएगा 10,000 bar, यानी कि आर्द्रता ग्राही जल हो जाएगा। यानी इसको कैसे निकालते हैं? तो अभी हमने देखा जो पीएफ वैल्यू है इसको कैसे निकालते हैं, तो वो हम देखते हैं, इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है? पीएफ वैल्यू कितनी दे रखी है? 7 दे रखी है, ठीक है ना। और उससे पहले हमने एक लाइन देखी थी कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है? 3 pf वैल्यू होता है। यानी कि अगर कोई भी वायुमंडलीय दाब अगर 1 दे रखा है तो उसका अल्टीमेटली वो कितना हो जाएगा? उसका उसके पीछे 3 सुपर और लग जाएगी, यानी कि उसकी जो पीएफ में वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 1000 pf के आसपास हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब दे रखा है इसमें पीएफ वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे? पीएफ वैल्यू दे रखी है इसमें 7 दे रखी है। तो पीएफ वैल्यू 7 दे रखी है, तो इसके पीछे हमको कितनी और सुपर लगा देनी है?
सात सुपर वॉल लगा देंगे हम, तो पी एफ वैल्यू कितनी दे रही है इसमें, सात दे रही है, तो जल स्तंभ में कितनी हो जाएगी, तो इसके पीछे हम एक के पीछे और कितनी सुपर लगा देंगे, एक के पीछे हम लगा देंगे कितने, सात सुपर। जितना पी एफ वैल्यू दे रहेगा उतना ही हमको एक के पीछे कितनी सुपर लगानी है उतनी ही सुपर लगानी है, यानी कि शून्य लगाना है। तो यहाँ पर हमें पी एफ वैल्यू सात दे रखा है, तो हम एक के पीछे कितना लगा देंगे, एक के पीछे लगा देंगे हम सात सुपर, ये हमने सात सुपर लगा दिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात सुपर हमने लगा दिए। उसके बाद में क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है, थ्री पी एफ वैल्यू होता है, यानी कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर थ्री पी एफ वैल्यू होता है, थ्री पी एफ वैल्यू होता है। तो अब हमको इसमें किसमें कन्वर्ट करना है, हमको इसमें कन्वर्ट करना है इसको वायुमंडलीय दाब के अंदर कन्वर्ट करना है। तो एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है, थ्री पी एफ होता है, यानी कि इसमें से हम थ्री, पहले तो हमने सात सुपर लगाए, अब उसमें से जो पहुंच रहा है जितना पहुंच रहा है उसमें हमको कन्वर्ट करना है। तो उसमें से हम क्या करेंगे, जो तीन सुपर है इसको हम काट देंगे, तो उसके बाद में जो डिजिट बचेगी हमारी वही क्या हो जाएगी, हमारे वायुमंडलीय दाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो वायुमंडलीय दाब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10,000 बार वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। अब 10,000 वायुमंडलीय दाब पर कौन सा जल होता है, तो वो होता है हमारे हाइग्रोस्कोपिक वाटर या आर्द्रता ग्राही जल होता है। तो इसको निकालने का ये फॉर्मूला होता है, अगर ये हम इस प्रकार से नहीं निकाल पाते हैं तो हमें पी एफ वैल्यू और जो वायुमंडलीय दाब की जो दोनों की जो डिजिट है वो हमें या कैसे भी करके याद होनी चाहिए, तब जाकर हम एग्जाम में इनको इनके वैल्यू का पता कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम देखते हैं परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट होता है जो, ये क्या होता है, तो स्थायी मिलानी बिंदु हिंदी में कहते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ब्रिक्स व सेटज ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, और कब दिया था, तो 1912 के अंदर ये कॉन्सेप्ट दिया था। और इसकी जो रेंज होती है परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट की, वो कितनी होती है, 15 बार से 15 बार पर इसकी रेंज होती है, ठीक है ना, ये हमको पता होना चाहिए। और ब्रिक्स और सेटज जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सूचक के रूप में जो एक प्लांट यूज़ में लिया था, उस प्लांट का नाम है क्या, सनफ्लावर या सूरजमुखी, इन्होंने प्लांट के रूप में यूज़ में लिया था। और जो परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट होती है, ये क्या होती है, तो जो प्राप्य जल होता है उसकी निम्नतम सीमा होती है, यानी कि अगर इस सीमा से पहले अगर प्लांट को जल मिल जाता है तो प्लांट अपनी वृद्धि को कंटिन्यू कर लेता है, अगर इस सीमा के बाद में अगर प्लांट को जल मिलता है, यानी कि 15 बार से अधिक होने पर, यानी कि 17 बार पर 23 बार पर अगर प्लांट को जल मिलता है, तो वो जल मिलने के बावजूद भी वो अपनी वृद्धि पूरी नहीं कर पाता है। ये कॉन्सेप्ट कौन बताता है, ये कॉन्सेप्ट हमारे बताता है परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट बताता है। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में, देखते हैं महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी के बारे में हम देखते हैं। तो महत्वपूर्ण शब्दावली के अंदर आता है हमारे फॉरेज क्षेत्र, सबसे पहला आता है इसमें, हम 8 टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी, फॉरेज एरिया क्या होता है, होलार्ड क्रेसार्ड इकार्ड क्या होता है, सीपेज क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन परकोलेशन और लीचिंग, इन सभी के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉरेज एरिया क्या होता है। फॉरेज एरिया वह एरिया होता है जहाँ से प्लांट के जो रूट सिस्टम होता है, यानी कि मान लीजिए यह कोई भी प्लांट है, अब ये इस प्लांट की ये रूट हो गई, अब ये रूट जहाँ जहाँ तक फैली है और वो जो रूट सिस्टम है, उस रूट सिस्टम में जहाँ से भी प्लांट न्यूट्रिएंट को अवेल ग्रहण करते हैं, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, फॉरेज क्षेत्र कहते हैं, यानी कि वह क्षेत्र जहाँ से पौधे पोषक तत्व को अवशोषित करते हैं, उस क्षेत्र को हम क्या, किस नाम से जानते हैं, उस क्षेत्र को हम फॉरेज क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में भी ये बताया गया है कि जिस क्षेत्र से पौधे जल व खनिज लवण को अवशोषित करते हैं, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, फॉरेज क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब बात आता है होलार्ड क्रेसार्ड और इकार्ड, इन ये तीनों क्या होते हैं, इन तीनों को हम एक साथ समझते हैं। तो यदि हम बात करते हैं किसकी, होलार्ड की, तो होलार्ड क्या होता है, तो मृदा में संपूर्ण जल की मात्रा, यानी कि केवल हम बात कर रहे हैं किसकी, मृदा की बात करें, न कि पूरी पृथ्वी की बात करें, यानी कि जहाँ जहाँ पर मृदा उपस्थित है वहाँ पर अगर उस मृदा के अंदर जो भी जल की मात्रा उपस्थित है, उस जल की मात्रा को क्या कहते हैं, होलार्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, होलार्ड के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है क्रेसार्ड, क्रेसार्ड क्या होता है, तो जो मृदा के अंदर जो मान लीजिए 100% जल अवेलेबल है, ये 100% जल की जो मात्रा होती है, इस जल की मात्रा को तो हमने क्या नाम दे दिया, हमने नाम दे दिया होलार्ड। अब होलार्ड में से क्या हुआ, जो मान लीजिए होलार्ड में से
70% जो जल होता है वो प्लांट ने अवशोषित कर लिया और 30% मृदा में ऐसे पड़ा रह गया। तो जो वो 70% जो जल होता है जो पौधों के द्वारा वो ग्रहण कर लिया जाता है, उस 70% जल की जो अवेलेबल यानी ग्रहण करने की जो मात्रा होती है, क्षमता होती है, उसी क्षमता को क्या कहा जाता है, क्रेसार्ड कहा जाता है, क्रेसार्ड कहा जाता है। और इकार्ड क्या होता है, तो 70 में से अब कितना बच गया हमारे पास में, 100 में से 30% जो जल की मात्रा मृदा के अंदर शेष बची रहेगी, उस जल की मात्रा को क्या कहा जाता है, इकार्ड कहा जाता है। तो इन तीनों की डेफिनेशन देखते हैं। होलार्ड क्या होता है, तो मृदा में संपूर्ण जल की मात्रा, संपूर्ण जल की मात्रा कितनी होगी, 100% हो गई। और बात करते हैं क्रेसार्ड, तो पौधों को उपलब्ध जल की मात्रा, यानी कि 100 में से पौधों ने 70% जल अवेल ग्रहण कर लिया तो वो मात्रा क्या कहलाएगी, हमारी क्रेसार्ड कहलाएगी। और इकार्ड क्या हो जाएगी, तो जो शेष बचा हुआ जो जल रह जाता है मृदा के अंदर, उस जल को हम क्या कहते हैं, इकार्ड के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम रिसाव। रिसाव क्या होता है, या इसी को सीपेज कहते हैं। तो मृदा का पानी में क्षैतिज प्रवाह, मृदा का पानी में कौन सा प्रवाह, क्षैतिज प्रवाह है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर इन सोइल, ठीक है ना। तो उसके लिए उस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, तो इस प्रोसेस को हम सीपेज या रिसाव के नाम से जानते हैं। अब ये कहाँ पर देखी जा सकती है, तो जो भी हमारे इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, कहाँ पर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, इन जिलों के अंदर एक जल परियोजना चलाई जा रही है। उस परियोजना के अंदर क्या हो रहा है, तो ये मान लीजिए ये हमारी इंदिरा गांधी सिंचाई परियोजना है, इसके कारण से क्या हो रहा है, तो इसके आसपास के लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में, यानी कि ये जहाँ से निकल रही है उसके वहाँ से लेकर और जहाँ पर ये ख़त्म हो रही है उसके आसपास लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में जो ये इस नहर का जो पानी है, वो पानी क्या हो रहा है, रिस कर आसपास के जो खेत है उनको प्रभावित कर रहा है और वहाँ पर एक समस्या पैदा कर रहा है। उस समस्या का नाम है सेम समस्या को ये जन्म दे रहा है। तो अगर मृदा में पानी का दो तरीके से मूवमेंट होता है, एक तो वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। अगर वर्टिकल होता है, वर्टिकल जो पानी का मूवमेंट होता है वो तो नेचर की देन है, वो नेचर के द्वारा आसानी से होता है। लेकिन अगर पानी का प्रवाह क्षैतिज होने लग जाता है, तो इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, इस प्रोसेस को हम रिसाव या सीपेज के नाम से जानते हैं। और ये सीपेज के कारण एक समस्या पैदा होती है, उस समस्या का नाम क्या है, सेम समस्या। सेम समस्या पैदा हो रही है और सेम समस्या के कारण क्या हो रहा है, तो वहाँ की जो नहर के जो आसपास की जो भूमि है, यानी जो खेती योग्य जो मृदा है, भूमि है, वो किस में बदल रही है, दलदली मृदा में बदल रही है, ठीक है ना, दलदली मृदा में बदल रही है। और इसके निवारण के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो इसके निवारण के लिए हमें जिप्सम के साथ में जो सफ़ेदा होता है जिसे हम यूकेलिप्टिस कहते हैं, इनकी खेती हमको करनी चाहिए, तब जाकर हम सेम समस्या से निपटारा पा सकते हैं, ठीक है ना। तो सेम समस्या क्या होती है या रिसाव क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम देखते हैं इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, तो मृदा में पानी का प्रवेश क्या कहलाता है, इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। इसको शब्दों को तोड़ेंगे हम तो हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इनफिल्ट्रेशन क्या होता है। तो इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, तो मृदा में पानी का प्रवेश क्या कहलाता है, तो इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। परकोलेशन क्या कहलाता है, तो मृदा से पानी का बाहर निकलना, यानी कि संतृप्त अवस्था, मृदा से पानी का संचलन होना, यानी कि बाहर निकलना क्या कहलाता है, परकोलेशन कहलाता है। और परकोलेशन ही जिम्मेदार होता है किसके लिए, निक्षालन के लिए या संचयन के लिए। जो जिम्मेदार जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है, परकोलेशन प्रोसेस होती है, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है लीचिंग। लीचिंग क्या होती है, तो पौधे का जो जड़ क्षेत्र होता है, जड़ क्षेत्र में जो उपस्थित जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनका पानी के साथ में मिलकर मृदा के नीचे के संस्तर में चले जाना क्या कहलाता है, निक्षालन कहलाता है। तो इनकी डेफिनेशन देखते हैं। रिसाव क्या होता है, तो रिसाव हो जाएगा हमारे या सीपेज, मृदा में पानी का क्षैतिज प्रवाह। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, तो असंतृप्त अवस्था में मृदा में पानी का प्रवेश। परकोलेशन पानी का बाहर निकलना मृदा से। निक्षालन क्या होता है, तो जड़ क्षेत्र से पोषक तत्व लवणों का मृदा में नमी की तरफ जाना, जिसमें परकोलेशन नीचे की तरफ जाना, जिसमें परकोलेशन क्रिया द्वारा ये संपन्न होता है, ठीक है ना। तो पोषक तत्वों का पानी के साथ में मिलना और पानी का नीचे के संस्तरों में जाना क्या कहलाता है, लीचिंग कहलाता है। नेक्स्ट आता है कुछ पॉइंट है, जो हमारे जो सैंडी सोइल होती है या रेतीली मृदाओं में कौन सी प्रोसेस ज़्यादा होती है, तो परकोलेशन प्रोसेस ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जैसे ही पानी डालते हैं वो पानी वहाँ पर रेत के कण बड़े होते हैं और पानी का अवशोषण करते हैं, और वो अवशोषण जैसे ही अवशोषण करते हैं वो नीचे की तरफ जाने लगता है, यानी कि वो पानी मृदा की जो ऊपरी सतह होती है वहाँ पर वो नहीं रुक पाते हैं। उसके बाद आता है क्ले सोइल। क्ले सोइल की बात करें, क्ले सोइल में कौन सी क्रिया प्रोसेस ज़्यादा होती है, तो परकोलेशन की प्रोसेस इसमें क्या होती है, कम होती है। तो सबसे ज़्यादा किस में होती है परकोलेशन की प्रोसेस, वो होती है हमारे
सैंडी सोयल में और जो क्ले सोयल होती है उसमें परकोलेशन की क्रिया बहुत ही कम होती है। इसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा जो सैंडी जो सोयल होती है, सैंडी सोयल के अंदर कौन सी प्रोसेस कम होती है, तो वो जाएगी इसमें इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस कम होती है और क्ले सोयल के अंदर इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस ज़्यादा होती है। उसके बाद आता है संघनन। संघनन क्या होता है, तो जो भी जल वाष्प होता है उसका आपस में मिलकर द्रव अवस्था में आना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। तो जल का वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। और जल धारण मर्दा में जल धारण के लिए जो बल काम करते हैं वो कौन कौन से, संघन, ससंजन और आसंजन। ये क्या होता है, आप सभी ने इसके बारे में खूब पहले पढ़ा हुआ। ससंजन क्या होता है, तो समान अणुओं के मध्य लगने वाले बल को हम ससंजन, जैसे जल के अणुओं के मध्य, और आसंजन बल क्या हो गया, तो असमान अणुओं के मध्य लगने वाले बल को आसंजन बल कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए जल और मर्दा हो गए, जल और पादप का कोई भाग हो गया, जल और पत्ती हो गई, इनके मध्य जो बल लग रहा है वो कौन सा हो जाएगा, बल हमारे आसंजन बल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम थोड़ा और आगे बढ़े, ससंजन क्या होता है और आसंजन क्या होता है ये हम देख ही चुके हैं, ससंजन और आसंजन क्या होता है ये हम देख ही चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम मुरझान गुणांक, इतना कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, इसकी थ्योरी आप खुद देख लेना, मुरझान गुणांक क्या होता है और जल को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो ये कारक अल्टीमेटली हम खुद ही लिख सकते हैं, मर्दा के जो सोयल टेक्सचर हो गए वो हो जाएंगे, सोयल टाइप हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर हो जाएगा, ह्यूमिडिटी हो जाएगा, और पृष्ठ तनाव हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, ये प्रमुख इसके फैक्टर होते हैं इफेक्ट करने वाले, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आता है हमारा सतह प्रवाह यानी सरफेस रन ऑफ। क्या होता है ये आप इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, मर्दा सतह में किसी खास सीमा तक प्रवेश किए बिना मर्दा सतह पर बढ़ रहे जल को सतह जल प्रवाह कहते हैं, सतह जलवाह कहते हैं। और सतह जलवाह में कमी किसके कारण हो सकती है, तो जल हानि, इनफिल्ट्रेशन, परकोलेशन, वाष्पोत्सर्जन, सतह जल वाष्पोत्सर्जन में वृद्धि आवश्यक है, ठीक है ना। तो सतह जल प्रवाह में यदि कमी होगी तो इन सभी चीज़ों में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और सतह जलवाह बराबर क्या होता है, तो जल लाभ माइनस जल संचय होता है। ये आपके लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, जो मर्दा नमी की जो मापन की विधियाँ उनके बारे में हम एक एक करके डिटेल से देखते हैं, ठीक है ना। इनका डिटेल मैंने क्लासिफिकेशन और इनका पूरा विस्तृत अध्ययन हमने जब सोयल वाटर चैप्टर पढ़ा था तो उसके अंदर हमने सेशन किया था, सोयल वाटर लगभग 3 सेशन किया था। उस 3 सेशन के अंदर हमने सोयल वाटर के सारी प्रोसेस को अलग अलग बताया गया, ठीक है ना। तो आप वहाँ जाकर इन सभी को देख सकते हैं, यहाँ पर केवल हम तथ्यात्मक जानकारी देख रहे हैं सोयल वाटर के बारे में। तो आइए देखते हैं हम मर्दा जल मापन की विधियाँ। तो मर्दा जल मापन की कितनी विधियाँ, तो मर्दा जल मापन की 2 विधियाँ कौन कौन सी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष विधि में कौन सी आती है, तो प्रत्यक्ष विधि में आती है भारात्मक विधि। भारात्मक विधि में हम क्या करते हैं, तो नमूने को क्या करते हैं, 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम गर्म करते हैं और 24 घंटे तक रखते हैं, ठीक है ना। 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म किया जाता है 24 घंटे के लिए, तब जाकर हम मर्दा नमी का मापन कर पाते हैं। उसके बाद आता है अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि में कौन कौन सी आती है, तो पृष्ठ तनाव विधि आती है, विद्युत चालकता विधि आती है, दाब झिल्ली विधि आती है, और न्यूट्रॉन प्रकीर्णन विधि आती है। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो कौन सी हो जाएगी, पृष्ठ तनाव विधि, जिसमें हम एक इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं टेंशियोमीटर। टेंशियोमीटर का जो यूज़ है हम कहाँ पर करते हैं, खेत में कर सकते हैं हम, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट होता है जब चाहे इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये मर्दा नमी का मापन कौन से वायुमंडलीय दाब पर करता है, तो 0.85 वायुमंडलीय दाब पर ये कार्य करता है। और बलुई मर्दा है तो सर्वाधिक इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि प्राप्य जल का लगभग 80% जो वाटर होता है वो इसी रेंज में इनको उपलब्ध होता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है विद्युत चालकता या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मेथड आता है, इसमें क्या होता है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो जिप्सम ब्लॉक विधि भी कहते हैं, यानी कि विद्युत चालकता विधि का दूसरा नाम क्या है, तो वो हो जाएगा जिप्सम ब्लॉक विधि। और ये व्हाइट स्टोन ब्रिज से रीडिंग इसमें नोट की जाती है। इसमें रीडिंग नोट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो वही स्टोन ब्रिज से रीडिंग हम नोट करते हैं। और यह 1 से 15 वायुमंडल दाब पर एक कार्य करता है। वो लवणीय मर्दा है तो उपयुक्त तो नहीं होता है। नेक्स्ट आता है हमारे दाब झिल्ली मेथड। कौन सा मेथड, दाब झिल्ली मेथड। दाब झिल्ली मेथड की बात करें तो दाब झिल्ली के अंदर क्या होता है, तो यह 100 वायुमंडलीय दाब पर
मृदा नमी का मापन करता है, और इसमें जो सैंपल जो हम सैंपल लेते हैं सैंपल को किस में रखते हैं, तो किसकी सहायता से रखा जाता है, तो सिरेमिक और सेल्यूलोज एस, या तो हम सिरेमिक का यूज़ करेंगे या फिर हम यूज़ करते हैं सेल्यूलोज एसीटेट प्लेट का यूज़ करके हम उसमें जो सैंपल होता है उसमें इसको रखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे लास्ट जो मेथड आता है, वो मेथड आता है हमारे न्यूट्रॉन प्रकीर्णन विधि। कौन सी विधि? न्यूट्रॉन प्रकीर्णन विधि। न्यूट्रॉन प्रकीर्णन विधि आती है हमारे, न्यूट्रॉन प्रकीर्णन विधि की बात करें तो यह विधि सर्वाधिक और वैज्ञानिक विधि है और मर्दा नमी मापन में वर्तमान में सर्वाधिक यूज़ में ली जाने वाली विधि अगर कोई है मर्दा नमी मापन की, तो वो कौन सी हो जाएगी? न्यूट्रॉन प्रकीर्णन विधि हो जाएगी। और यह विधि में हम जो मर्दा नमी का मापन करते हैं वो 0 से 15 वायुमंडल दाब पर मर्दा नमी का मापन किया जाता है, और इसमें न्यूट्रॉन का जो स्रोत होता है वो क्या होता है, तो रेडियम होता है और अमेरिकन बेरिलियम होता है। यानी कि न्यूट्रॉन का जो अगर न्यूट्रॉन प्रकीर्णन विधि है, इसमें रीडिंग के लिए जो हम यूज़ में जो तत्व लेते हैं वो कौन से लेते हैं? रेडियम और अमेरिकन बेरिलियम इसमें यूज़ में लेते हैं, और ये कार्बनिक व सतह मर्दा है तो उपयुक्त तो नहीं होती है। तो मर्दा नमी की जो मापन की जो विधियाँ होती है वो कितने दो तरीके की होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में कौन सी आती है? तो प्रत्यक्ष में आती है भारात्मक, और अप्रत्यक्ष में आती है चार विधियाँ, कौन? पृष्ठ तनाव विधि, विद्युत चालकता विधि और दाब झिल्ली विधि, और नंबर फोर्थ आती है न्यूट्रॉन प्रकीर्णन विधि। उम्मीद है आप सभी को ये जो तथ्यात्मक जानकारी है सोयल वाटर से रिलेटेड वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी उम्मीद इसी उमंग के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।